कटिहार पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार का जखीरा भी बरामद किया है। मनिहारी थाना क्षेत्र के बैद्यनाथपुर दियारा में हुई इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि कुख्यात अपराधी राजेश और गुड्डू पर कई थानों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। कई थानों की पुलिस ने मनिहारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में दोनों को गिरफ्तार कर 47 जिंदा कारतूस, 5 खोखा, पुलिस राइफल और 3 मोबाइल सेट बरामद किया है। गिरोह के विरुद्ध छापामारी की गई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनिहारी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें बासुकी ठाकुर गिरोह के 2 अपराधकर्मी एक पुलिस राइफल के साथ 47 चक्र जिंदा कारतूस और 5 चक्र फायर किया हुआ खोखा के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। और उनके रहने के स्थान से काफी बड़ी संख्या में सामान भी बरामद किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन सा दियारा में? ये गंगा दियारा मनिहारी थाना क्षेत्र में गंगा दियारा में सूचना मिल रही थी कि बासुकी ठाकुर के गिरोह के द्वारा किसानों से रंगदारी वसूली जा रही है, उसी के विरुद्ध ये कार्रवाई की। क्या नाम है सर अपराधी, इनके इतिहास क्या है? अब राजेश सिंह जो गिरफ्तार किया गया है, वो अपराधी 2016 में पुलिस बल पर आक्रमण भी किया था और उसमें वो गिरफ्तार होकर जेल भी गया था। इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास विभिन्न थानों में दर्ज। दूसरा अपराधी उसके बारे में छानबीन जाए, उनके यहाँ से खंगाला जा रहा है। जी सर, ये गंगा दियारा में रंगदारी की सूचना बासुकी ठाकुर के गिरोह के द्वारा मांगे जाने की जब सूचना मिली, तो उस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष नगर, थानाध्यक्ष मुफस्सिल, थानाध्यक्ष मनिहारी, मनसाही, अहमदाबाद के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनिहारी के नेतृत्व में। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।